नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू। आज मैं नींबू का ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, जिसमें देखिए ये मेरा नींबू का पेड़ है। इसमें जिस तरह से फूल खिलते हैं, इसके बाद ये नींबू का पौधा बनता है, इसके बाद नींबू फर जाता है। तो आज मैं पूरा आपको ब्लॉग दिखाने जा रही हूँ, जिसमें अभी कीड़े लगे हुए हैं। तो खीरा का भी इलाज में मतलब दवाई मैंने स्प्रे किया था, तभी नींबू फरा हुआ है, लेकिन अब भी है, फिर मुझे स्प्रे करना पड़ेगा, इसके बाद ये नींबू टिकेगा। तो अगर मेरा ब्लॉग आप सबको अच्छा लगे, लास्ट का ब्लॉग आगे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद जैन, धन्यवाद। दोस्तों फर्स्ट जो है ऐसे नींबू का ही पौधा, ये देखिए इस तरह से इसमें जो है फूल खिलता है। फूल खिलने के बाद जो ये फूल पूरी तरह से मतलब ये फूल का जो अंकुर बना हुआ है, देखिए इस तरह से पहले फर्स्ट ये है, इसके बाद जो है इसमें ये देखिए फूल खिल गया। खिलने के बाद ये छोटा सा बन के रेडी हो जाता है, जैसे इसमें जो कोढ़ी निकला हुआ है, कोढ़ी निकलने के बाद जो है कोढ़ी निकल गया है, इसके बाद देखिए एक इस तरह से जो है ये देखिए छोटा सा फिर छोटा वाला है, इसके बाद इससे बड़ा होगा ये इस साइड से, इस सभी इस तरह से बड़ा होते होते वो करके देखिए इस साइड का होगा। इसके बाद जो है इसमें ये देखिए इस तरह से फल लगेगा, ये आपको दिख रहा होगा ये फल है इसका। इसके बाद देखिए इसमें कीड़ा कौन सा लगा हुआ होता है, देखिए कीड़ा सबसे छोटा इसमें कीड़ा किस टाइप का होता है। पहले हल्का सा कीड़ा निकलता है जो आपको देख कर जिस टाइप में से लगेगा, ये देखिए पहले एक रत्ती का होता है, हरा एक पत्ता होता है उसी तरह का कीड़ा होता है। ये देखिए किस तरह का कीड़ा है, ये देखिए इसे भी स्प्रे करेंगे। ये देखिए सभी अब इससे भी बड़ा होगा कि ये कीड़ा जो है पत्ते से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके पत्ते पौधे को खाने लग जाता है, जैसे किस तरह से खाया हुआ है। अब मुझे इसमें दवाई स्प्रे करना है, इसे स्प्रे करने के बाद ये पौधे जो हैं सभी फ्रेश हो जाएंगे, इसके बाद ये सभी कीड़ा खाना बंद कर, लेकिन तभी भी कीड़ा में दवाई स्प्रे करते ही रहना हो जब तक ये पौधा लंबा ना हो जाए, मतलब फूल अच्छी तरह से फल हो ना जाए। ये तो बारहमासा नींबू है, लेकिन कभी कभार जो है इस साल जो अच्छी तरह से फला हुआ नहीं है, लेकिन अभी मैंने स्प्रे किया है तब ये फल टिका हुआ है। ये देखिए इस कीड़े के पत्ते को ढूंढ ढूंढ किसी तरह से हमको तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से बड़ा छोटा हर जगह ये पौधा आपको एक कीड़ा मिलेगा देखने के लिए। देखिए ये पूरा एक पत्ते का कीड़ा हो जाता है, जिससे पूरा पूरी ये पत्ता पौधों को खा जाता है, पूरा पत्ते को ही ये कीड़ा खा जाते हैं। इसी तरह से देखिए मेरा हो गया, उसके बाद मैंने ऊपर मैंने ये अमरूद का भी फल लगाया हुआ था। अमरूद अभी किसी का फल नहीं देता है, लेकिन मेरा अमरूद भी दे रहा है, मुझे पेड़ पौधों को रोपने का ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं हर उसमें कुछ ना कुछ पौधा लगाती रहती हूँ, जिससे मुझे अच्छा लगता है लगाने में, इसलिए मैं इसका काम ये मेरा चलता ही रहता है। ये देखिए ये सब मिलाकर इस तरह का देखिए नींबू, इसे डबल साइज का बड़ा साइज का होगा, सभी पक्के पियल पीला पीला हो जाएंगे और तब इसका मैं अचार बना दूंगी। अगर मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर जाते रिंकू ब्लॉग। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।